हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी विष्णुकांता के बारे में। इसे अपराजिता भी कहते हैं, नीले वाले को अपराजिता कहते हैं और सफ़ेद वाले को विष्णुकांता बोलते हैं, शंखपुष्पी भी बोलते हैं इसको। और ये नीले वाला फूल शिव जी को बहुत पसंद है। ये डबल फ्लावर वाला है, मेरा डबल पेटल वाला फ्लावर है। ये दोनों सफ़ेद और नीले एक ही गमले में मैंने तीन पौधे लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे ही ख़रीदे थे, एक साथ तीन थे तो मैंने अलग नहीं किया, कहीं ख़राब ना हो जाए। और ये मेरा दूसरा पौधा है दूसरे गमले में, ये सिंगल पेटल वाला है अपराजिता। ये भी नीले कलर का है और देखिए ये नीला और सफ़ेद दोनों फूल आए हुए हैं। कम पानी दीजिए, धूप में रखिए ज़्यादा इसको, और ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, लेकिन 15-15 दिन के बीच गैप के बाद। वैसे अब इसका सीज़न जाने वाला है तो ये देखिए इसमें मेरे बर्ड्स कुछ सूख चुके हैं और कुछ नई फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। इसमें भी अब मैंने इसमें लेट डाला है, दूसरे वाले पौधे में मैंने फर्टिलाइज़र अभी डाला है, तो देखिए एक दो बर्ड तो निकल गई है उसमें भी, अब स्टार्ट हो रही है। मुझे लगा सीज़न चला गया है तो मैं नहीं डालती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर फूल है, ये शिव जी को बहुत प्रिय है। शिव जी को शिवलिंग पर चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं शिव जी से। ये मेरा सिंगल पेटल वाला है अपराजिता का पौधा, नीले रंग का, तो ये बहुत शुभ होता है घर के लिए, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। ये देखिए सिंगल पेटल का है, इसमें फली आ गई है मेरे जो पहले फूल आए थे, क्योंकि समर फ्लावर का है ज़्यादा इसमें, तो कुछ ज़्यादातर मैंने तोड़ दिए थे फूल, क्योंकि फली आ जाती है तो फिर फ्लावरिंग कम हो जाती है, पर कुछ छोड़ दिए मैंने बीज के लिए। तो इसमें अब देखिए इसमें बीज बन जाएंगे, ये सूख जाएगी तब, तो इन्हें अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। ये नई बर्ड भी आ रही है देखिए, और इसी को हम अपना अप्रैल मंथ में जब सूख जाएगी कलेक्ट करके रख लेंगे और लगा देंगे बीज। देखिए ये बहुत ही बेल वाला पौधा है, अगर गमले में लगाना है तो स्टिक लगा के उसके चारों तरफ हम इसको घुमा सकते हैं, और कहीं आपके पास जगह है तो आप इसको किसी रस्सी से बांधकर ऊपर चढ़ाएंगे, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इसमें काफ़ी अभी रह गई हैं, मैंने बल्कि फूल तोड़ दिए थे ताकि कम बर्ड निकलें, कम फलियाँ निकलें इसमें, फिर भी इसमें रह गई हैं। तो मैं आप अपने घर में ज़रूर लगाएं इसे, बहुत से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी इससे। बहुत ही सुंदर पौधा है, देखिए नई नई बर्ड्स भी आ रही हैं। राम राम जी।